और एक बार फिर से वो खबर आपको बताएं जिससे हमने अपने बुलेटिन की शुरुआत की थी। खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुटबाजी पर बेहद सख्त हो गए हैं। नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है। बेहद सख्त लहजे में उन्होंने सबको मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। गोरखपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम की बैठक थी और इसमें सीएम ने साफ कर दिया है कि पार्टी का अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई होगी, यानी किसी भी सूरत में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर गुटबाजी की कोई खबर आती है तो वहां भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बेहद साफ कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, सीएम समय समय पर उन तमाम लोगों को सख्त संदेश देते हैं जो पार्टी के इतर कोई काम करने की कोशिश करते हैं या पार्टी लाइन पर धब्बा लगाने की कोशिश करते हैं, और गोरखपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। देखिए, मुख्यमंत्री के कर्मभूमि और वहां से विधायक राधामोहन दास अग्रवाल ने जातिगत बयान जारी किया था जिसमें एक ऑडियो वायरल हुआ था और इसको लेकर पूरी सरकार और पूरी पार्टी की फजीहत हुई थी। इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एक हफ्ते के अंदर राधामोहन दास अग्रवाल को अपना जवाब देना है पार्टी को। लेकिन जिस तरह से पार्टी का नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से सरकार का नुकसान हो रहा है, आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने जब जनप्रतिनिधियों की बैठक की गोरखपुर की, तो राधा मोहन दास अग्रवाल को बेहद लताड़ा, यानी उन्हें फटकार लगाई और इस दरमियान चुपचाप सुनते रहे अग्रवाल साहब, क्योंकि अन्य जो जनप्रतिनिधि थे वो भी नगर विधायक के बयान को लेकर काफी आक्रोशित थे और ये आक्रोश इतना ज्यादा था कि तीन से ज्यादा वहां के विधायकों ने इन्हें पार्टी से निकालने, वहां के जो सिटिंग सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने इन्हें पार्टी से निकालने का बयान जारी किया था। और जो गोरखपुर में एक अंदरूनी राजनीति है उसको एक खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में थे और गोरखपुर में सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करती, किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं करती, बल्कि इस तरह का बयान अगर कोई देगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पार्टी और सरकार को फजीहत में डाला जाता है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। और ऐसे में राधामोहन दास अग्रवाल को न केवल मुख्यमंत्री ने बल्कि अन्य जो विधायक थे, जो वहां के जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से शिकायत की कि ऐसे में गोरखपुर की राजनीति करना, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि खुद पार्टी के विधायक ही सरकार पर पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में विरोधियों की जरूरत नहीं है गोरखपुर में, और हम जब पार्टी की राजनीति करते हैं और गोरखपुर में जाते हैं तो जो हमारे विरोधी हैं वही कहते हैं कि भाई आपकी सरकार के ऊपर, पार्टी के ऊपर, तो खुद आपके सिटिंग जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वही प्रहार कर रहे हैं, तो आप पहले अपना घर देखिए। ऐसे में जो गोरखपुर की राजनीति है वो बहुत कठिन हो गई थी और मुख्यमंत्री ने बेहद फटकार लगाई और अंततः ये मामला लगता है कि अब खत्म हो चुका है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वीरेश। तो सीएम ने साफ कर दिया है कि अगर गुटबाजी की या फिर कोई ऐसा बयान दिया जो पार्टी की छवि को धूमिल कर सकता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी, यानी एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ काम करने की नसीहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दी है।